I learn, online learning, get better result. फसल। जब जमीन के बहुत बड़े भाग में एक ही तरह के पौधे उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। फसल के प्रकार। ऋतुओं के आधार पर फसल तीन प्रकार की होती है, जो निम्न प्रकार है। पहली रवि की फसल, दूसरी खरीफ की फसल, तीसरी जायद की फसल। रबी की फसल, यह अक्टूबर से फरवरी के बीच की फसल होती है, उदाहरण गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि। खरीफ की फसल, यह जून से सितंबर के बीच की फसल होती है, उदाहरण ज्वार, मक्का, मूंगफली, उड़द आदि। जायद की फसल, यह मार्च से जून के बीच की फसल होती है, उदाहरण खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक तरह के कार्य करने पड़ते हैं। यह कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। कृषि पद्धतियां निम्न है। ए, जुताई। मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना जुताई कहलाता है। बी, बुआई। अच्छे तथा स्वस्थ बीजों को जमीन में बोना बुवाई कहलाता है। सी, खाद एवं उर्वरक देना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। डी, सिंचाई। निश्चित अंतराल बाद खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। ए, निराई। खेत में उगे अनावश्यक पौधों को हटाना निराई कहलाता है। एफ, कटाई। फसल के पकने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाता है। जी, थ्रेसिंग। फसल से अनाज तथा भूसा अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। एच, भंडारण। अनाज को भंडारित करने की प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। जुताई, मिट्टी पोली करना के लाभ। ए, अंकुरण आसानी से होता है। बी, पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक पहुंच सकती हैं। सी, जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। डी, लाभदायक सूक्ष्म जीव आसानी से पनप सकते हैं। ए, पोली मिट्टी पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उत्तम किस्म के बीजों का चयन। उत्तम किस्म के बीजों के चयन के लिए हम एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसमें चार पांच मुट्ठी मूंग के बीज डालते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कुछ बीज पानी पर तैरने लगते हैं, जबकि कुछ बीज पानी में डूब जाते हैं। जो बीज क्षतिग्रस्त व खोखले होते हैं वे पानी पर तैरते रहते हैं, जबकि ठोस तथा स्वस्थ बीज पानी में डूब जाते हैं। इस प्रकार हम उत्तम किस्म के बीजों का चयन कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर। ए, खाद का निर्माण खेतों में होता है जबकि उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। बी, खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है जबकि उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। सी, खाद जैविक पदार्थ होते हैं जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं। डी, खेत में खाद ज्यादा मात्रा में डालने से कोई नुकसान नहीं होता है जबकि उर्वरक को खेत में ज्यादा मात्रा में डालने से फसल को नुकसान हो सकता है। ए, खाद के लगातार इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जबकि उर्वरक के लगातार इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो सकती है। एफ, खाद का उदाहरण गोबर की खाद। उर्वरक का उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश आदि। जैविक खाद के लाभ। ए, जैविक खाद मिट्टी के पुनर्गठन में सहायक है। बी, जैविक खाद लाभदायक जीवाणु की वृद्धि में सहायक होता है। सी, जड़ों में श्वसन क्रिया आसानी से होती है। डी, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। सिंचाई के पारंपरिक साधन चरस, नलकूप, रहट, मोट, ठेकली, विद्युत पंप, डीजल पंप आदि। सिंचाई की आधुनिक विधियां। ए, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें जमीन में ऊर्ध्वाधर सीधे खड़े पाइप लगे होते हैं। इन पाइपों के ऊपर नोजल लगा रहता है जिनसे पानी ऐसे निकलता है जैसे बरसात हो रही हो। बी, ड्रिप तंत्र।
यह विधि समतल भूमि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस विधि में जमीन में पाइप पिछे होते हैं। इन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे पानी बूंद बूंद करके निकलता है। यह पानी सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचता है, जिससे पानी का नुकसान नहीं होता है। सिंचाई से फसल को लाभ। ए, सिंचाई से बीज का अंकुरण आसानी से होता है। बी, वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों तक जल पहुंचता है। सी, पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंच जाते हैं। डी, पौधे का वृद्धि एवं विकास आसानी से होता है। खरपतवार। खेत में फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार नाशी। वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नियंत्रित करते हैं, खरपतवार नाशी कहलाते हैं। जैसे 2, 4, D। पशुपालन। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। फसल और पर्यावरण। फसल हरियाली से वायुमंडल शुद्ध रहता है, इसलिए फसलें पर्यावरण को सीधे सीधे प्रभावित करती है, जो निम्न प्रकार है। ए, फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। बी, फसलों से वायुमंडल की आर्द्रता बनी रहती है। सी, ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित तथा नियंत्रित रखती है। डी, फसलें वातावरण के तापमान को नियंत्रित रखती है। ए, फसलें मृदा अपरदन को कम करती है। एफ, जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं।